टॉलरेंस के अंतर्गत लोग जो हैं वो न्याय के दो सिद्धांतों को चुनेंगे, टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत लोग न्याय के दो सिद्धांतों को चुनेंगे। ओरिजिनल पोजीशन क्या है, वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। इस वीडियो में हम जॉन रॉल्स के द्वारा दिए गए न्याय के दो सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, जॉन रॉल्स उसे लिबर्टी प्रिंसिपल कहते हैं। सेकंड प्रिंसिपल को रॉल्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है उसे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसे हम डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहां पर तीन प्रिंसिपल हो रहे हैं जस्टिस के। दो प्रिंसिपल जो हैं वो सेकंड प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। कुछ किताबों में ये भी कहा जाता है, ये भी लिखा रहता है कि जॉन रॉल्स ने जस्टिस के तीन प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है। टेक्निकली ये गलत है, ठीक है, रॉल्स ने दो ही प्रिंसिपल दिए हैं। सेकेंड प्रिंसिपल के अंतर्गत हमें दो प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों प्रिंसिपल्स को, जस्टिस के इन तीनों सिद्धांतों को हम एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला प्रिंसिपल है जस्टिस का वो है लिबर्टी प्रिंसिपल। लिबर्टी प्रिंसिपल को समझना उतना कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो लिबर्टी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रॉल्स कहते हैं कि समाज में हर किसी को इक्वल पॉलिटिकल लिबर्टी दी जानी चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे जितनी लिबर्टी मिली हो मेरे सामने वाले को भी उतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए, या इसका हम अदर वे राउंड करके देखें तो मेरे सामने वाले को जितनी लिबर्टी दी गई है उतनी ही लिबर्टी मुझे भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो समाज जो है वो जस्ट है, समाज में न्याय की स्थापना होगी। अगर ऐसा है, लोगों को अगर बेसिक लिबर्टी मिला हुआ है इक्वली हर किसी को, तो उस समाज में न्याय की स्थापना होगी, ठीक है। तो बेसिक लिबर्टी के अंतर्गत कौन कौन सी फ्रीडम्स आती हैं, बहुत सारी फ्रीडम्स आती हैं, जैसे कि लिबर्टी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये सारी जो है लिबर्टी प्रिंसिपल के अंतर्गत आती हैं। तो लिबर्टी प्रिंसिपल को समझना उतना कठिन नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है। इसका मतलब बस इतना है कि समाज में हर किसी को इक्वल पॉलिटिकल लिबर्टी दी जानी चाहिए, यही है लिबर्टी प्रिंसिपल। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस में के अंतर्गत, ओरिजिनल पोजीशन के अंतर्गत लोग जो हैं वो सबसे पहले इस बात पर एग्री करेंगे कि हर किसी को इक्वल पॉलिटिकल लिबर्टी मिलना चाहिए, ठीक है। ये है जॉन रॉल्स का पहला न्याय का सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू होती है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के साथ। फर्स्ट प्रिंसिपल को समझना तो आसान है, लेकिन रॉल्स के सेकंड प्रिंसिपल को समझना थोड़ा कठिन है। यहां पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। सेकंड प्रिंसिपल में रॉल्स कहते हैं, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर जस्ट इफ दे अटैच टू पोजिशन ओपन टू ऑल एंड बेनिफिट ऑल। देखिए, इनइक्वालिटी के साथ हमने इस पूरे सीरीज की शुरुआत की। हमारा जो पहला वीडियो था वहां पर मैंने इनइक्वालिटी की बात की। मैंने आपको बताया था कि रॉल्स कहते हैं कि इनइक्वालिटी को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, यदि उस इनइक्वालिटी से समाज का जो वीकेस्ट सेक्शन है उसे लाभ मिलता है। सेकंड प्रिंसिपल जो है जस्टिस का वो इसी बात को रेखांकित करती है, इसी बात को एम्फसाइज करती है। यहां पर रॉल्स कहते हैं कि समाज में जो इनइक्वालिटी है, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वो जस्ट तभी है जब ये इनइक्वालिटी हर किसी के लिए खुला हो और हर किसी को बेनिफिट करता हो। ये जो दो बातें हैं, ओपन टू ऑल एंड बेनिफिट ऑल, इन दो बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी जो थ्योरी है रॉल्स की, जस्टिस की, वो उनके सेकंड प्रिंसिपल में ही निहित है, सेकंड प्रिंसिपल में ही आधारित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड प्रिंसिपल को समझना। तो रॉल्स कहते हैं कि सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर जस्ट, हम समाज में जो असमानता है
जो आर्थिक सामाजिक असमानता है उस असमानता को न्याय संगत साबित कर सकते हैं, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हम जस्टिफाई कर सकते हैं तब जब इस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है ये हर किसी के लिए खुला है, इफ द इनइक्वालिटीज आर ओपन टू ऑल, ठीक है, इनइक्वालिटी हर किसी के लिए खुला है। यहीं से जो रॉल्स का इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल निकल कर सामने आता है, इफ इनइक्वालिटीज आर ओपन टू ऑल, हम देखेंगे इसे कि इसका मतलब क्या है कि इनइक्वालिटीज आर ओपन टू ऑल, इसे हम देखेंगे, ठीक है। जो दूसरा कंडीशन है इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए, जो दूसरा कंडीशन रॉल्स हमें देते हैं, वो कहते हैं कि इफ इनइक्वालिटीज बेनिफिट ऑल, इस असमानता से यदि हर किसी को लाभ मिल रहा है तो ये जो असमानता है ये न्यायोचित है, न्याय संगत है। यहां से डिफरेंस प्रिंसिपल निकल कर सामने आता है, ठीक है। रॉल्स तो एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस से, और इस सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में यही बात कहा गया है कि समाज में जो असमानता मौजूद है, जो इनइक्वालिटी मौजूद है, उस इनइक्वालिटी को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। दो रास्ते हैं जस्टिफाई करने के। पहला रास्ता, ये जो इनइक्वालिटी है ये हर किसी के लिए खुला है, इसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा रास्ता, इस इनइक्वालिटी की वजह से हर किसी को लाभ होता है, ये है डिफरेंस प्रिंसिपल। हम एक एक करके इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, जहां पर रॉल्स कहते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है ये हर किसी के लिए खुला है। बिना एग्जाम्पल लिए मैं इस प्रिंसिपल को नहीं समझा पाऊंगा आपको, तो हमें यहां पर एक एग्जाम्पल लेना होगा, ठीक है। मान लीजिए समाज में दो लोग हैं, सिर्फ दो लोग नहीं, मान लीजिए हम दो लोग को लेते हैं अपने समाज से। एक का नाम है मीरा, जो कि एक न्यूरोसर्जन है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम है राकेश, ये एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। दोनों हमारे समाज में रहते हैं, एक ही समाज का हिस्सा है, मीरा एक न्यूरोसर्जन, राकेश एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ठीक है। अगर हम बात करें मीरा के सालाना इनकम की, ईयरली इनकम की, तो वो आता है 20 लाख रुपया पर एनम, 20 लाख रुपीज पर एनम, ये मीरा की ये ईयरली इनकम है, ठीक है। अगर हम बात करें राकेश के ईयरली इनकम की, तो वो है 80,000 रुपीज पर एनम, मात्र 80,000 रुपीज पर एनम। राकेश एक रिक्शा ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मीरा एक न्यूरोसर्जन है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के इनकम के बीच एक बहुत बड़ा गैप होगा। मीरा एक साल में 20 लाख रुपए कमाती है, राकेश एक साल में मात्र 80,000 रुपए कमाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है इनकम का, ठीक है, और ये गैप कितना बड़ा है, 19.2 लाख रुपीज का ये गैप है दोनों के बीच, मीरा और राकेश के इनकम के बीच ये 19.2 लाख रुपीज का गैप है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इनइक्वालिटी आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा है, एक इनइक्वालिटी। तो अगर हम जॉन रॉल्स से पूछे कि इस इनइक्वालिटी को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, ये जो असमानता है दोनों के आय के बीच, मीरा और राकेश के आय के बीच ये जो असमानता है, इसे हम न्यायोचित कैसे साबित करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं यदि यदि ये जो पोजीशन है न्यूरोसर्जन का, ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटी है न्यूरोसर्जन बनने का समाज में, ये जो अवसर है न्यूरोसर्जन बनने का, जो अवसर मौजूद है समाज में, ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी मीरा और राकेश दोनों के लिए इक्वली ओपन था, ठीक है। वेन द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ न्यूरो सर्जन वॉज इक्वली अवेलेबल टू बोथ मीरा एंड राकेश, हम ये नहीं कह सकते कि राकेश एक न्यूरो सर्जन नहीं बना, क्यों नहीं बना, कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन राकेश के पास अवसर था एक न्यूरो सर्जन बनने का, मीरा के पास भी एक अवसर था न्यूरो सर्जन बनने का, दोनों के पास समान रूप से इक्वल वे,
इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल था न्यूरोसर्जन बनने का। मीरा न्यूरोसर्जन बन गई लेकिन राकेश नहीं बन पाया, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है दोनों के लिए इक्वली अवेलेबल था, इक्वली अवेलेबल था। अगर हम पूछें कि राकेश न्यूरोसर्जन क्यों नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, अगर हम ये कहते हैं, जॉन रॉल्स कहते हैं कि न्यूरोसर्जन बनने का जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, वो राकेश और मीरा दोनों के लिए इक्वली अवेलेबल था, मीरा बन गई राकेश नहीं बन पाया, क्यों? और इसलिए क्योंकि मीरा न्यूरोसर्जन बन गई राकेश नहीं बन पाया, इसलिए दोनों के बीच गैप आ गया, दोनों के इनकम के बीच गैप आ गया, एक इनइक्वालिटी आ गया। अगर हम पूछें कि राकेश क्यों एक न्यूरोसर्जन नहीं बन पाया, तो रॉल्स कहते हैं कि राकेश के न्यूरोसर्जन ना बन पाने के पीछे तीन कारण हो सकते हैं, तीन कारण। पहला हो सकता है लीगल कारण, लीगल इनइक्वालिटी, ठीक है, हो सकता है कि समाज में कोई एक ऐसा नियम हो जो कि रिक्शा ड्राइवर्स को न्यूरोसर्जन बनने से रोकता हो, प्रोहिबिट करता हो, एक कोई ऐसा कानून हो जो प्रोहिबिट करता हो कि रिक्शा ड्राइवर्स जो है वो न्यूरोसर्जन नहीं बन सकते, हो सकता है एक ऐसा कानून हो समाज में। ये एक रीजन है, ये एक सोर्स है जो राकेश को न्यूरोसर्जन बनने से रोक सकता है, ये एक सोर्स है, ठीक है। एक और सोर्स क्या है, बर्थ स्टेटस, राकेश का जन्म कहाँ हुआ, राकेश का फैमिली बैकग्राउंड क्या था, राकेश का फैमिली बैकग्राउंड भी उसे एक न्यूरोसर्जन बनने से रोक सकता है। मीरा का फैमिली बैकग्राउंड ने, मीरा की जो फैमिली बैकग्राउंड है, मीरा की फैमिली बैकग्राउंड ने उसे काफी मदद किया एक न्यूरोसर्जन बनने में, उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग थे, बहुत केयरिंग थे, उसके उन मीरा के पेरेंट्स के पास इतना पैसा था कि वो एक एक्सपेंसिव स्कूल में मीरा को डाल सके, ठीक है। मीरा जब पढ़ाई करती थी तो उन्हें, मीरा को सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना होता था, उन्हें कोई और काम नहीं करना पड़ता, तो वो कम्प्लीटली फोकस कर पाती थी अपने स्टडीज़ में, ठीक है। ऐसा मीरा क्यों कर पाई, क्योंकि वो एक अमीर परिवार में मीरा का जन्म हुआ, उनके माता पिता भी डॉक्टर थे, एक ऐसे परिवार में मीरा का जन्म हुआ, और मीरा न्यूरोसर्जन बन पाई उसके पीछे मीरा के फैमिली बैकग्राउंड का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, बहुत बड़ा हाथ है मीरा के फैमिली बैकग्राउंड का। लेकिन राकेश की तरफ अगर हम देखें तो राकेश का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, राकेश के पिता भी एक रिक्शा ड्राइवर थे, उनकी माता जी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी, ठीक है, राकेश के बहुत सारे भाई बहन थे, तो राकेश को कभी भी एक अच्छा स्कूल नहीं मिला, उसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ा, ठीक है, हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में राकेश की पढ़ाई हुई, राकेश को पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी चलाना पड़ता था, अपने घर के लिए उन्हें खर्च भी इकट्ठा करने पड़ते थे, उन्हें अर्न भी करना पड़ता था अपने पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि राकेश कभी भी अपने पढ़ाई के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाए, ठीक है। राकेश गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाई की क्वालिटी है वो हम सभी जानते हैं कैसा था। तो क्योंकि राकेश का जन्म एक रिक्शा ड्राइवर के फैमिली में हुआ, इस वजह से राकेश को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो मीरा को मिली, और इस वजह से हो सकता है कि राकेश जो है वो न्यूरोसर्जन नहीं बन पाया। तो ये दो सोर्स है इनइक्वालिटी की। जॉन रॉल्स कहते हैं कि किसी भी समाज में अगर ये दो सोर्स अवेलेबल है, अगर समाज में राकेश को न्यूरोसर्जन बनने से रोकने के लिए ये दो सोर्स अवेलेबल हैं, तो वो समाज अनजस्ट है, ठीक है, वो समाज जो है अनजस्ट है अगर ये दो सोर्स अवेलेबल है। दैट मीन्स कि यदि कोई समाज में कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है लीगल इनइक्वालिटी की वजह से या अपने बर्थ स्टेटस की वजह से, तो वो समाज जो है वो अनजस्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रॉल्स कर रहे हैं यहां पर, वो इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। फिर वो बात कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी का सोर्स कहां से आता है। तीन सोर्स की उन्होंने बात की, जो पहला दो सोर्स है वो लीगल है और बर्थ स्टेटस है, लीगल इनइक्वालिटी, बर्थ स्टेटस से जुड़ी इनइक्वालिटी। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी का कारण लीगल है या बर्थ स्टेटस से जुड़ा है, तो वो इनइक्वालिटी गलत है,
वो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स कि राकेश और मीरा के बीच जो इनकम गैप है, यदि इस इनकम गैप का ओरिजिन हम ट्रेस कर पाते हैं किसी लीगल इनइक्वालिटी में या बर्थ स्टेटस में, तो ये जो गैप है इसे हम कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। कोई इस गैप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। राकेश और मीरा के बीच जो ये इनकम का गैप है, इसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। यदि समाज में ये जो गैप उत्पन्न हुआ है राकेश के बर्थ स्टेटस की वजह से, सिर्फ इसलिए क्योंकि राकेश का जन्म एक रिक्शा पुलर, एक रिक्शा ड्राइवर के फैमिली में हुआ, इसलिए सिर्फ राकेश जो है वो न्यूरोसर्जन नहीं बन पाया, अगर ये कारण है तो ये जो इनइक्वालिटी है हम इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो तीसरा सोर्स है इनइक्वालिटी का वो है टैलेंट और एफर्ट। अब यहां पर रॉल्स कहते हैं कि सिर्फ एक रीजन है जो जस्टिफाई करता है राकेश और मीरा के बीच के इनकम डिफरेंस को, और वो है दोनों का टैलेंट और एफर्ट। ठीक है, राकेश और मीरा के बीच जो गैप हमें दिख रहा है, ये गैप अगर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि राकेश ने पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं किया, मीरा ने पढ़ाई की, मेहनत किया, इसीलिए मीरा जो है वो न्यूरोसर्जन बन गई, राकेश नहीं बन पाया, अगर ये जो इनइक्वालिटी है सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और एफर्ट के वजह से है, तब ही इस इनइक्वालिटी को हम जस्टिफाई कर पाएंगे। तो जॉन रॉस कहते हैं कि समाज में कोई भी इनइक्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और एफर्ट की वजह से होनी चाहिए। ठीक है, बर्थ स्टेटस और लीगल इनइक्वालिटी कभी भी किसी इनइक्वालिटी का सोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जॉन रॉल्स कह रहे हैं, सिर्फ टैलेंट और एफर्ट ही है जिसके डिफरेंस की वजह से इनइक्वालिटी हो सकता है। द ओनली रीजन फॉर राकेश टू अर्न लेस देन मीरा इज हिज ओन एफर्ट। अगर यही कारण है, टैलेंट और एफर्ट ही कारण है मीरा और राकेश के बीच के इनकम डिफरेंस की वजह से, तभी हम इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर पाएंगे। दैट मीन्स न्यूरोसर्जन बनने का जो अपॉर्चुनिटी है वो मीरा और राकेश के पास इक्वली अवेलेबल था। ठीक है, दोनों के पास ये अपॉर्चुनिटी इक्वली अवेलेबल था। मीरा ने मेहनत की, उसने अपना एफर्ट लगाया तो वो न्यूरोसर्जन बन गई और आज वो 20 लाख रुपीज पर एनम अर्न कर रही है। राकेश ने मेहनत नहीं की, उसने एफर्ट नहीं लगाया तो वो न्यूरोसर्जन नहीं बन पाया। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ठीक है, अगर हम मान लें कि सिर्फ टैलेंट और एफर्ट की वजह से राकेश जो है वो न्यूरोसर्जन नहीं बन पाया, लेकिन हम राकेश के बर्थ स्टेटस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हम इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि राकेश का जन्म जो है वो एक पुअर फैमिली में हुआ, एक रिक्शा पुलर के फैमिली में हुआ? हम इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है, बर्थ स्टेटस से होने वाले इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम हटा सकते हैं कि बर्थ स्टेटस से इनइक्वालिटी ना हो? तो इसके लिए क्या है, सरकार की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर सरकार जो है वो लीगल और बर्थ स्टेटस से जुड़े इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा। सरकार कोई भी कानून नहीं बनाएगा ऐसा जो कि रिक्शा पुलर्स को प्रोहिबिट करता हो न्यूरोसर्जन बनने के लिए। सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, और बर्थ स्टेटस के वजह से अगर किसी को कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार। दैट मीन्स कि हमें पता है कि राकेश के पिता कोई एक्सपेंसिव स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते राकेश के लिए, तो क्या करेगी यहाँ पे सरकार? सरकार खुद यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल को बिल्ड करेगी जहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है वो मीरा के एक्सपेंसिव स्कूल के बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, जो बर्थ स्टेटस से जुड़ा जो डिसएडवांटेज है राकेश के लिए, उसे सरकार जो है कंपनसेट कर दे रही है। सरकार अच्छे स्कूल खोलेगी, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेगी पुअर सेक्शन सोसाइटी के पुअर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करेगी, हो सकता है कि सरकार रिजर्वेशन भी दे दे। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए सरकार रिजर्वेशन दे दे। तो इन सारे माध्यम से, रिजर्वेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया,
फ्री कोचिंग हो गया, इन सारे माध्यम से सरकार को क्या कोशिश करना है कि बर्थ स्टेटस से रिलेटेड जो इनइक्वालिटी है उसे रिड्यूस करना। दैट मीन्स कि समाज में इनइक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और एफर्ट की वजह से होगा। ठीक है, ये था जॉन रॉल्स का इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल में रॉल्स कहते हैं कि जो इनकम डिफरेंस है, जो इनइक्वालिटी है दो लोगों के बीच समाज में, इस इनइक्वालिटी को हम तभी जस्टिफाई कर पाएंगे जब इस इनइक्वालिटी की वजह से समाज का जो वीकेस्ट सेक्शन है, ठीक है, वो बेनिफिटेड हो। इसे भी समझने के लिए हमें राकेश और मीरा का एग्जाम्पल लेना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मीरा और राकेश के इनकम के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, 19.2 लाख रुपीस का गैप है। डिफरेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये गैप अगर राकेश जैसे लोगों को मदद कर रहा है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तभी हम इस गैप को जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, बेनिफिट ऑल, इनइक्वालिटीज विल बेनिफिट ऑल, इसका मतलब क्या है? कैसे ये गैप, ये इनइक्वालिटी राकेश जैसे लोगों को मदद करेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये कैसे होगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी, मीरा के 20 लाख रुपीस पर वो टैक्स लगाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट मीरा के 20 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स लगाएगी, टैक्स को गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और टैक्स को कलेक्ट करके जो पैसा है, गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ खर्च करेगी, राकेश जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए वो खर्च करेगी, उनके लिए स्कूल्स खोलेगी, उन्हें फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है, उन्हें और भी अलग अलग तरह के एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है, जब ऐसा होगा कि जो इनकम का गैप है दो लोगों के बीच में, इस इनकम के गैप होने के वजह से समाज का जो वीकेस्ट सेक्शन है वो बेनिफिट हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है, तब हम इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर गवर्नमेंट जब मीरा के पैसों को, उनके इनकम को टैक्स करती है, और टैक्स से आने वाले इस पैसे को गवर्नमेंट जो है पुअर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेंड करती है, तब क्या होगा कि जो गैप है मीरा और राकेश के बीच वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, मीरा का इनकम, जो इफेक्टिव इनकम है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, मीरा का जो स्टेटस है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट उसका 30 या 40% जो उनका इनकम है उसे गवर्नमेंट टैक्स करके ले लेगी, तो मीरा का जो इफेक्टिव इनकम है वो कम हो जाएगा। और जब गवर्नमेंट जो है राकेश के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करेगी, ठीक है, इन्हीं टैक्स के पैसों को जब गवर्नमेंट राकेश के ऊपर खर्च करेगी, तो राकेश का जो लेवल है वो क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा, वो अपलिफ्ट होगा, उनका कंडीशन अपलिफ्ट होगा। ठीक है, तो मीरा के इनकम को गवर्नमेंट टैक्स करके राकेश के अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च करती है, तभी जाकर राकेश और मीरा के बीच जो इनकम इनइक्वालिटी है उसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो समाज में जितनी भी इनइक्वालिटीज मौजूद हैं उन्हें हम तभी जस्टिफाई कर सकते हैं जब इन इनइक्वालिटीज के वजह से समाज के वीकेस्ट सेक्शन को बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है, पुअरेस्ट सेक्शन को बेनिफिट हो रहा हो। यही है जॉन रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम आते हैं जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस को कंक्लूड करने की ओर। ठीक है, कंक्लूजन के तौर पे अगर हम देखें तो रॉल्स जो है वो अपने, स्पेशली अपने सेकंड प्रिंसिपल के माध्यम से वेलफेयर स्टेट को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। रॉल्स की थ्योरी क्या है? वेलफेयर स्टेट एक कल्याणकारी राज्य का जस्टिफिकेशन है। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है कि जो स्टेट है वो अमीरों को टैक्स करेगी, और टैक्स से आने वाले जो पैसे हैं उन्हें वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना, वेलफेयर के लिए सोचना गरीबों का, जो लोग खुद अपने वेलफेयर के लिए नहीं सोच सकते उनके वेलफेयर के बारे में सोचना। ठीक है, तो रॉल्स टैक्सेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, रॉल्स जो है वो कैपिटलिज्म को रिजेक्ट नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया, कैपिटलिज्म रॉल्स के लिए जरूरी है। दैट मींस कि कैपिटलिज्म को जब वो सपोर्ट कर रहे हैं तो एक तरह से वो इनइक्वालिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। रॉल्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म जरूरी है,
क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर आता है, वो अपलिफ्ट करता है। ठीक है, तो एक सोशलिस्ट मॉडल को रॉल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और रॉल्स जो है वो अपने इस प्रपोजिशन के लिए जाने जाते हैं कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो तभी जस्टिफाइड है जब इस इनइक्वालिटी का जो एडवांटेज है वो समाज के वीकेस्ट सेक्शन को मिले, इस इनइक्वालिटी का बेनिफिट समाज के वीकेस्ट सेक्शन को मिले। ठीक है, रॉल से जुड़ी एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉल ने हमें, हमने देखा कि रॉल एक्चुअली तीन प्रिंसिपल देते हैं जस्टिस के, लेकिन कभी भी अगर इन तीन प्रिंसिपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि इन तीन प्रिंसिपल में हम किस प्रिंसिपल को प्रायोरिटी दें, सबसे ऊपर